कोविड काल के बाद से जब 2 साल के बाद स्थिति सामान्य हुई, उसके बाद से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लग चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से साज सजावट की गई है, बाकायदा ब्लॉग बनाए गए हैं और हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ खास चीज़ें रखी आपको देखने को मिल जाएंगी। इस बार का जो ट्रेड फेयर है, दिल्ली ट्रेड फेयर, वो काफ़ी खास है और यहाँ पर आपको सभी राज्यों में, जितने भी देश में राज्य हैं, वहाँ पर जो भी फेमस चीज़ है, वहाँ की जितनी भी वहाँ की सांस्कृतिक कला है, इसके साथ ही साथ जो वहाँ का आर्ट कल्चर है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं अभी हम हुनर हाट में हैं और जिसका प्रचार प्रसार काफ़ी किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ तस्वीरों में, आपको तस्वीरों पर दिखाई भी देगा, यहाँ पर तरह तरह की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के बीच में मोदी जी की फ़ोटो होना खास बात है। इन सारी तस्वीरों के पीछे कहीं ना कहीं दर्शाया जा रहा है कि जो सारी चीज़ें हैं वो PM के द्वारा की जा रही हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके द्वारा की जा रही हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है इन सारी चीज़ों को और कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं आगे अगर हम लेकर चलते हैं, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, आपको कपड़े से लेकर और रहन सहन की जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, वो सब कुछ दिखेंगी यहाँ पर आपको। मैं बोलूँगा कैमरामैन से एक बार ज़रा तस्वीरें दिखाएं, इस तरफ आप देख सकते हैं लाइटिंग का खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि कहते हैं कि दिवाली जो है वो दियो की होती है, रोशनी की होती है, तो यहाँ बात अगर रोशनी की हो तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर लाइटिंग है। इसको बाकायदा तैयार किया गया है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत चीज़ है। इसके अलावा हम अगर आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ये हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये भैया सारी हाथों से ही बनी हुई हैं, ये सारी की सारी हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है हुनर हाट। तो यहाँ पर जितने हुनरमंद लोग हैं उन सबको मौका मिलता है कि वो यहाँ पर आएँ और अपने हुनर को दिखाएं और जो देश की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, वो सब आएँ और यहाँ पर देख सकें। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम मूर्तियाँ रखी हुई हैं तरह तरह की यहाँ पर, और आगे हम आपको लेकर चलते हैं, आप देखेंगे यहाँ तस्वीरों में काफ़ी समय बाद ये इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो लगाया गया है और इसके बाद इस बार जो यहाँ पर भीड़ है वो अभी उतनी नहीं देखने को मिल रही है। वो भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी आपको हाल फिलहाल में, क्योंकि अभी ऐसे कोविड की वजह से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि हाँ अभी जो लोग हैं वो कम आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं कोविड ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो बढ़ गई है, उसकी वजह से लोगों के पास खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं। आप यहां भी देख सकते हैं लिखा हुआ है वोकल फॉर लोकल, तो आप देखेंगे यहां पर ये सारी चीजें हाथ से बनाई हुई हैं, ये सारी चीज़ें भी हाथ से ही बनाई हुई हैं। तो अगर हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ, अगर आपको दिखाते हैं तस्वीरों में, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तरह तरह की। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कपड़े हैं तमाम, और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कटलेरी के सामान हैं और तमाम चीज़ें हैं। ये सारे किस चीज़ के बने हैं भैया? तो ये अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, जैसे ये मदर ऑफ़ पर्ल का बना हुआ है, ये रेजिन का है, ये भी मदर ऑफ पर्ल है, वो बफेलो हॉर्न के बने हुए हैं, बोन के बने हुए हैं। बफेलो हॉर्न मतलब इसका सींग, इसका सींग, वो क्या प्रोडक्ट है एक बार दिखाना। ये सारा जो है इधर जो रखा हुआ है ये भैंस के सींग का बना हुआ है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। तो ये जो है ये भी भैंस के सींग का है। ये क्या चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं? ये सब ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग, हाँ हाँ ड्रिंकिंग, ये भी ये शॉर्ट्स वगैरह के लिए होता है, जैसे ये सारी, तो ये सारा सर्विंग के लिए ही यूज़ होता है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जैसा कि हाथों से ही बनाई गई हैं और इन सब में जो कलाकारी है वो मशीनी कलाकारी जो होती है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको एक बार प्रगति मैदान तक ज़रूर आना चाहिए और यहाँ जो होने वाला संगम है, जो सांस्कृतिक और कल्चर है, जो आर्ट कल्चर है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।